जिसका करता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करते हैं वीरों का निर्माण। उन पावन गुरुओं को हमारा प्रणाम। आज मैं पिया और मैं आन्या अपने मित्रों के साथ गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुनो सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम 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 प्रणाम। नहीं है शब्द करने को आपका धन्यवाद। हाँ हाँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बस चाहिए आप सभी का आशीर्वाद। हाँ हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हूँ जहाँ आज मैं उसी में है बड़ा योगदान। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने दिया मुझे ये ज्ञान। हाँ हाँ दिया है ज्ञान दिया है ज्ञान दिया है ज्ञान। हाँ हाँ दिया है ज्ञान दिया है ज्ञान दिया है ज्ञान। वो गुरु ही है जो हमारे मन को आहत किए बिना हमें एक सभ्य जीवन जीना सिखाता है। हाँ हाँ सिखाता है सिखाता है सिखाता है। लेकिन मित्रों मुझे भी बताओ ये गुरु है कौन? हाँ हाँ है कौन है कौन है कौन? गुरु की महिमा को शब्दों में बताना नामुमकिन है। हाँ हाँ नामुमकिन है नामुमकिन है नामुमकिन है। हाँ हाँ नामुमकिन है नामुमकिन है नामुमकिन है। गुरु ही ज्ञान है गुरु ही महिमा है गुरु ही प्रकाश है। गुरु बिना ज्ञान नहीं गुरु बिना ज्ञान नहीं ज्ञान बिना अरमान नहीं। गुरु बिना ज्ञान नहीं ज्ञान बिना अरमान नहीं। गुरु का स्थान भगवान से भी श्रेष्ठ है। सभ्य समाज का आधार स्तंभ गुरु ही है। हाँ हाँ गुरु ही है गुरु ही है गुरु ही है। आज मैं आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रही हूँ जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है। हाँ हाँ पैसा ही सब कुछ है पैसा ही सब कुछ है पैसा ही सब कुछ है। हाँ हाँ पैसा ही सब कुछ है पैसा ही सब कुछ है पैसा ही सब कुछ है। पैसा पैसा करती हूँ मैं पैसे पे ही मरती हूँ। पैसा पैसा करती हूँ मैं पैसे पे ही मरती हूँ। पैसा पैसा करते हैं ये पैसे पे ही मरते हैं। पैसा पैसा करते हैं ये पैसे पे ही मरते हैं। मम्मी मम्मी। हाँ बोलो बेटा। मुझे भी कल से स्कूल जाना है। हमारे पास पैसे तो है लेकिन मेरे पास कोई मित्र नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कल ही एक शिक्षिका बुलाऊंगी जो तुम्हें घर पे ही ज्ञान की प्राप्ति कराएगी। क्या घर पे? हाँ हाँ घर पे हाँ हाँ घर पे हाँ हाँ घर पे हाँ हाँ घर पे। गुरु गोविंद जो खड़े ताके नागे पाए बलिहारी गुरु आप ही जिन गोविंद दिए मिलाए। गुरुजी मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। हाँ हाँ पूछो पूछो। मैं आपके साथ 6 महीने से पढ़ रही हूँ
लेकिन मुझे कोई ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? मैं बताती हूँ तुम्हें कोई लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तुम अहंकार के कारण ज्ञान ग्रहण नहीं कर पा रही हो। तुम्हें पैसों का घमंड है। हमारा संबल गुरु और शिष्य का है। तुम्हें गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। अब जैसे कि तुम आसन पर बैठती हो और मैं जमीन पर। हाँ हाँ, इसीलिए इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। आदर करो, आदर करो, आदर करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम शिक्षक व शिक्षिका का मतलब जान चुकी हो। अब निश्चित रूप से तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। आज इस नाटक प्रस्तुति के माध्यम से हमने गुरु व शिष्य की महत्ता को आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक शिष्य के लिए गुरु मार्गदर्शक होता है, वह उसे जीवन में सफल बनाता है, वह समाज में श्रेष्ठ स्थान दिलाता है। गुरु का स्थान देवता अर्थात भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। गुरु का महत्व हमें समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे ईश्वर भक्ति भक्तों के जीवन को सार्थक बनाती है, उसी प्रकार गुरु भक्ति में भी शिष्यों के जीवन सफलता की शक्ति होती है। इसलिए हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु उस दीपक के समान है जो अपने शिष्यों के जीवन को प्रकाशित करता है। गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के समान कोई याचक नहीं। त्रिलोक की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान दान गुरु ने दिया है। धन्यवाद। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।